नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। प्रखंड क्षेत्र के परसा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 9 में पोस्ट ऑफिस के समकक्ष गुरुवार को सुकन्या खाता धारकों ने जमकर प्रदर्शन व आक्रोश व्यक्त किया। सुकन्या खाता धारकों का कहना है कि विगत 2 वर्षों से सुकन्या खाता डाक विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। सभी सुकन्या धारकों का पासबुक भी पोस्ट ऑफिस द्वारा सुधार के नाम पर लेकर रख ली गई है, लेकिन कोई भी खाते में 45,000 रुपए खाता धारक द्वारा जमा किया गया लेकिन लेजर से कम दिखाया गया। इसको लेकर खाता धारकों में आक्रोश व्याप्त है। यह भारत सरकार का महत्वपूर्ण विभाग में घोर वित्तीय अनियमितता है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि डाकपाल जितेंद्र सिंह के कहने पर वो कहते हैं कि विभाग द्वारा कमी हुई है लेकिन पासबुक नहीं दे रहे हैं। यह पोस्ट ऑफिस का मुख्यालय सगौली में पड़ता है जबकि परसा पंचायत मझौलिया प्रखंड अंतर्गत आता है, जिसके चलते खाताधारकों को पूर्वी चंपारण के पोस्ट विभाग के सुपरिटेंडेंट मोतिहारी को चक्कर लगानी पड़ती है। इससे खाताधारकों को होती है बहुत परेशानी। गौरतलब है कि सुकन्या समृद्धि योजना बच्चियों को गर्भ में ही मार देने पर रोक लगाने को लेकर बच्चियों के लिए सुकन्या योजना चलाई गई। इस योजना का गला घोट रही है परसा का पोस्ट ऑफिस। प्रदर्शन करने वाले सुकन्या खाता धारकों में दीपक सिंह, संजय भगत, उज्जवल सिंह, प्रभु नायर सिंह, सुनील सिंह आदि सभी शामिल हैं। वहीं इस संदर्भ में डाकपाल जितेंद्र ने बताया कि सभी खाता धारकों का सुधार के लिए विभाग को लिखित आवेदन दिया गया है, विभाग जल्द ही सुधार कर भेजेगी। बताते चले कि मझौलिया प्रखंड 29 पंचायतों का है जिसमें परसा, बहुआरवा और गुद्रा का मुख्य डाक पर पूर्वी चंपारण के सुगौली में पड़ता है। पोस्ट ऑफिस मैं आया हूँ जहाँ डाकपाल महोदय से कुछ सुकन्या के कार्ड धारकों का मामला है, उस संबंध में उनसे जानना है जो क्या बता रहे हैं। आप डाकपाल जितेंद्र जी हैं जी, आप बताइए। सुकन्या में लोगों का कहना है कि बहुत से जो 45,000 जमा हुआ सुकन्या खाता पर उसका आपके लेजर में 32,000-36,000 बताया जा रहा है और पैसा का कोई अता पता नहीं है, उसका खाता भी बंद हो गया है, इस संबंध में क्या हिसाब जो है सो पास ऊपर नोट कर दिया गया है। हमने हिसाब लेकर के सुगौली एसओ को दे चुका हूँ, उससे आगे हम क्या बताएं। और जो मांगा गया है, जो कंप्लेन है वो कंप्लेन के तहत और जो मांगा गया है उसको हमने यहाँ से भेज दिया हूँ अगला टेबल को। अब उसकी जांच प्रक्रिया आगे की कार्रवाई के लिए चल रही है। अब जिस दिन निदान हो जाएगा उन लोगों को निदान होगा। अच्छा, ये लोग तो सब लोग पर से पंचायत के हैं। हाँ, ये लोग पर से पंचायत। कितना लोग है लगभग सुकन्या में जिनका बंद है? सुकन्या हमको अंदाज है कि मोटा मोटी कुछ लोग अपने से जमा करते होंगे और कुछ लोग मैंने लमसम हमको अंदाजा कि 15-20 और बाकी कहीं होना चाहिए जिसका मैंने खाता बंद है। उन लोगों की संख्या कितना? संख्या उतना लमसम मोटा मोटी हमको लगभग लग रहा है कि 15-16 वो लोग आसपास में बंद है। तो वो लोग मैंने सुकन्या का पैसा पहले आपके यहाँ जमा किया? हाँ। इसके बाद ही मैंने जो मैंने कुछ खाता में कमी आ गई जिसके जो सिस्टम की भाउचर भेजने के बाद जो सिस्टम नहीं बताया कि क्या हुआ, अब कैसे हुआ, अब इसको हमको अंदाज नहीं है। हमने तो हिसाब लेकर के सुगौली एसओ को दे चुका है। अपना परिचय बताइए। हम परसा शाखा डाकपाल संत कुमार सिंह। मैं मझौलिया प्रखंड के परसा पंचायत में परसा पोस्ट ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार का एक मैंने योजना है जो प्रधानमंत्री अभी चलाए हुए थे, उस सुकन्या में घोर अनियमितता देखी गई है और बताया जाता है कि यह परसा जो पोस्ट ऑफिस है इसमें जहां 45,000 रुपये जमा किया गया वहीं लेजर में 32,000-36,000 ऐसा दिखाई देने लगा। इस समय यहां पर मैं आया हूं, यहां के उपभोक्ताओं से पूछूंगा कि जो वो खाताधारक कैसे पैसा जमा कराए और क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ दुर्घटना। इस समय जो परसा पोस्ट ऑफिस का मामला है यह बहुत संगीन मामला है जो प्रधानमंत्री के सुकन्या योजना के तहत है। इसकी जांच होना अति आवश्यक है। मोदी जी से तो सारे लोग अपील कर रहे हैं कि जो मोदी जी देखिए, यह बिहार का एक ऐसा प्रखंड है जो मझौलिया प्रखंड जिसमें परसा पंचायत आता है,
जहाँ पर जो छोटे छोटे कन्याओं के लिए आपने जो स्कीम लाया था सुकन्या कन्या, उसमें भी घोर हेरा फेरी का मामला आ रहा है। मैं R9 भारत संवाददाता मनीष कुमार मझौलिया से। इस समय जो खाताधारक हैं जो सुकन्या समृद्धि के परसा डाक घर में, वो उनसे बात करूंगा, वो बताएंगे क्या मामला है। सर, मामला ये है कि हम लोग 2015 में सुकन्या योजना का खाता चालू, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना में सुकन्या योजना लाए। इस योजना के तहत हर खाता धारकों को 1000 रुपये जितनी समर्थता होती उतनी पैसा जमा करना होती। हम लोगों ने हर महीने पैसा जमा करना चालू किया। अचानक से विभाग द्वारा ये बात कही गई 2019 में कि आप लोगों का पैसा अब नहीं जमा होगा, आप लोगों का जब तक खाते में कुछ गड़बड़ी हो गई है, इस गड़बड़ी को हम लोग सुधार कराएंगे, उसके बाद ही आप लोग अपना अगला पैसा जमा करा पाएंगे। हम लोग उसके बाद इन लोगों के दरवाजे पर भटकना शुरू कर दिए, कभी सुगौली कभी मोतिहारी कभी परसा। इन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। जब इसके लिए मौखिक रूप से कार्रवाई करते करते हम थक गए तो जनवरी 2021 से लिखित रूप में हमने कार्रवाई करना चालू किया। 2021 में जब हमने लिखित रूप से कार्रवाई करना चालू किया तो परसा BPM के द्वारा ये बात कही गई कि पासबुक एवं सिस्टम के अनुसार से बैलेंस नहीं मिलने के कारण आप लोगों का अगला पैसा जमा नहीं होगा। जब तक इसकी सुधार नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों के पैसों को जमा नहीं किया जाएगा। उन्होंने लिख के इसको फॉरवर्ड कर दिया सुगौली के लिए। हमने खाते में जमा किया है 46,000, 92,000, 46,000 और 49,000। इन सभी खातों का जब हमने तहकीकात करना चालू किया तो पता चला कि सभी खातों में 10 से 20 हज़ार रुपये की हेरा फेरी हुई। फिर हमने परसा BPM के पास आके आग्रह किया कि ऐसा हम लोगों के खाते में क्यों हुआ, तो परसा BPM कहते हैं कि हमारे द्वारा पैसा वसूल करके सुगौली SBM को भेज दिया गया। और सुगौली SBM जवाब देते हैं कि परसा BPM कभी लेजर के अनुसार पैसा जमा ही नहीं किए, जिसका साक्ष्य आपको हम अभी जमा करा देंगे। इसके बाद हमने इंस्पेक्टर को कॉल किया, उनसे मौखिक रूप से हमने कंप्लेन दिया, उनसे हमने पूछा कि सर जब ये विभाग अगर फ्रॉड कर रहा है तो इसकी जवाबदेही ग्राहक की तो है नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आप प्रखंड मझौलिया के पड़ते हैं, मझौलिया के हैं, तो आपका पोस्ट ऑफिस सुगौली कैसे होंगे? सुगौली इसलिए हुआ कि सर परसा ब्रांच सुगौली के अंडर में आता है। अब कैसे आता है ये विभाग के लोग बताएंगे, इसकी जानकारी विशेष समय नहीं है, क्योंकि परसा BPM ने कहा कि आप लोगों का जो भी निदान होगा सुगौली SBM का शुरू होगा। हमने वहाँ के उप डाकपाल मदन जी से बात की सुगौली में, उन्होंने एक लिखित में प्रमाण दिया है ये हमारे द्वारा अधिकारियों से बात की गई और आपका काम हम करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अधिकारी इसमें कुछ सुन नहीं रहे हैं, ये भी साक्ष्य हम आपको उपलब्ध करा दें। उसके बाद फिर से उन्होंने, जब मैं दोबारा फिर से प्रयास किया, उन्होंने फिर से एक लिखित रूप से एक चिट्ठी दिया कि हम आपका कार्य करने में असमर्थ हैं क्योंकि हमारे अधिकारी काम नहीं करते। फिर से उन्होंने एक चिट्ठी, जब हमारे द्वारा कार्रवाई की गई तो उन्होंने ये लिख के दिया कि परसा BPM ने हमारे सामने कबूल की कि हमने इनको मना करके रखा है कि आपका जब तक सुधार नहीं होगा आप लोगों का अगला पैसा जमा नहीं होगा। इसके चलते आज के डेट में 2 साल से हम लोगों का पैसा जमा नहीं हो रहा है, खाता बंद हो चुका है। जहां तक कि हमने इसकी पड़ताल की तो पोस्ट ऑफिस में कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है और कहीं भी ये कानून नहीं है कि आपका पैसा गड़बड़ हो जाता है तो आपका अगला पैसा जमा नहीं होगा। लेकिन इन्होंने क्यों ऐसा करके हम लोगों को यहाँ पर रखा, हम लोगों का खाता क्यों बंद कराया, इसकी जवाबदेही परसा BPO और सुगौली SBM ले। इन लोगों के साथ हर कुछ करने के बाद जब हमने सुगौली SBM से हमने बात किया, जी ये हमारा खाता रहा, सुगौली SBM को जनवरी 2021 में हमने पासबुक जमा कराया। खाता नंबर कितना है? हमारा खाता नंबर जो है 8693755872 जो सुकन्या का खाता है, हर्षिता पराशर के नाम से। इस खाते में सिर्फ यहाँ पासबुक में जो है 46,000 रुपया है और जब हमने इसका लेजर निकाला तो इस लेजर के हिसाब से इसमें 36,000 रुपया है। और सुगौली SBM ने लिख के दिया कि लेजर डेट के अनुसार परसा BO के द्वारा पैसा समय पर कभी भी जमा नहीं हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है और मोहर किया हुआ है। उसके बाद हमने सुपरिटेंडेंट के पास कंप्लेन करने के लिए, सुपरिटेंडेंट को जब हमने कंप्लेन दिया तो उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं, जबकि हमने उनके सुविधा के लिए इतना चीज़ कर दिया
ये हमने इसमें नोट दे दिया कि साक्ष्य संबंधित सभी कागजातों को संलग्न कर रहा हूँ, आवश्यकता पड़ी तो ऑडियो और वीडियो भी आपको हम उपलब्ध करा सकते हैं। ऑडियो वीडियो उनके व्हाट्सएप पे हमारे द्वारा भेज दी गई, लेकिन उनके भी कानों में एक जू तक नहीं रही, वो कार्यवाही के नाम पर सिर्फ बड़गलाते रहे। ठीक है, तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम उज्जवल सिंह हुआ, हम इसमें परसा डाकघर में हर्षिता परासर के नाम से हमारा एक अकाउंट चलता है जिसमें हम पैसा जमा करते हैं। और यहाँ समस्या ये है कि गांव में किसी को कानून की जानकारी नहीं। कितने लोगों को माने कम से कम किसी लगभग जैसा हेरा फेरी जो हुआ है, ये तो कितने लोगों का? ये हेरा फेरी लगभग 30-35 अकाउंट में हुआ है। और ये लोग यहाँ पे सभी लोग किसान है, इन लोगों को कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है और इन लोगों को परेशानी की जाएगी। एक और दूसरे मैंने से बात करेंगे, बताइए क्या मामला है। जी, हम सुकत्या खोले हुए थे 2015 में, तब से जमा कर रहे थे। बीच में हमारा सुकन्या रोक दिया गया कि आपका रुपया अब जमा नहीं होगा, कुछ फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट के सुधार करने के बाद ही आपका काम होगा। तो हमने कुछ दिन तक रुक गए 6 महीने तक, उसके बाद फिर हम दौड़ना शुरू किए तो उसमें पता चला कि हमारे खाते में हम 2-2 हज़ार महीना करके जमा किए हैं, उसमें 2-2 हज़ार महीना करके नहीं जमा है, उसमें एक बार में 35-25 हज़ार ऐसे करके जमा है, लगभग 20 हज़ार रुपया का गबन है। आपका भी खाता बंद है? जी, मेरा भी खाता 2 साल से बंद है, ये लोग बोला कि अभी जमा नहीं हुआ। क्या पूछे, नाम क्या? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह हुआ। घर कहाँ हुआ? घर परसा हुआ। पंचायत? पंचायत परसा हुआ। वार्ड नंबर 11 हुआ। थाना मझौलिया हुआ। यहाँ परसा बीओ जितेंद्र सिंह, सुवली एसओ मदन जी, हमारे सुकन्या योजना को 2 साल से इन लोगों ने चौपट करके रखा है। बार बार इनसे हमारे मिलने पे ये बात कही गई कि आपका सुधार हो जाएगा तो पैसा जमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 साल से हमको घेर के रखा गया, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। आज जब इनसे हम मांग रहे हैं कि आप लिखित तौर पर हमको दीजिए कि आप 2 साल से हमको रोक के रखे हैं, तो ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इसका दोषी है कौन? यहाँ इनके अधिकारी मदन जी भी हैं। मदन जी, आपके सामने बात है, ये बात ग्राहक को रोका गया है कि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक पैसा जमा नहीं होगा, तो आप स्टेटमेंट दीजिए। तो जोर से बोलिए, नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, रोका गया था। कहा गया था? के द्वारा कहा गया था कि जब तक पासबुक और सिस्टम का सुधार नहीं होगा आपका पैसा जमा नहीं होगा। परसा बीओ के द्वारा रोका गया था। ठीक है, ग्राहक की इसमें क्या गलती है? गलती, जोर से बोलिए। कोई गलती नहीं है, ग्राहक की गलती नहीं है, ग्राहक को परेशान किया जा रहा है। आपके इंस्पेक्टर पंकज जी से भी हम बात किए हैं जनवरी में, शर्मा जी से भी हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम को आज तक नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा एक चिट्ठी 2 फरवरी 2021 को जारी की गई है जिसमें ये बात लिखी गई है कि ये अमाउंट सही है, परसा बीओ जांच में सही पाए गए हैं, उस पैसे को अब तक क्यों नहीं डाला गया? विभाग द्वारा आपके पास एक भी लेटर आया है? नहीं। सुपरिटेंडेंट ऑफिस से आपको कोई भी जवाब नहीं आया? कोई भी लेटर नहीं है। आप 2 साल से हमको क्यों रोक के रखे थे? परसा बीओ की खामोशी ही बता रही है कि ग्राहक को क्यों परेशान किया जा रहा है। आप 2 साल से क्यों रोक के रखे थे? हमारे वीडियो कॉलिंग कॉल आ रहा पहले ही। ठीक है, आप 2 साल से ग्राहक को क्यों रोक के रखे थे, एक लाइन में हमको जवाब दे दीजिए। सिस्टम और पासबुक नहीं मिलने के कारण से जमा नहीं हो पाया है। आपने ग्राहक को कहा था कि जब सुधार होगा तो पैसा जमा होने के बाद ही जमा किया जाएगा। ठीक है, इतना ही हम कहकर अपना बात वापस करते हैं। ठीक। पंकज जी क्लीन चिट दिए हैं कि जितेंद्र सिंह अपने किस चीज में आप जमा किए हैं? मैनुअली नहीं, आप अपने खाते में पैसा जमा किए हैं? खाते का जांच करने के बाद इंस्पेक्टर पंकज जी 2 बार जांच कराए। जांच कराने में वो पाए कि जितेंद्र सिंह के तरफ से पैसा जमा कर दिया गया है। एक विभाग का अधिकारी अगर 2 फरवरी 2021 को सुपरिटेंडेंट के नाम से चिट्ठी जारी करता है कि इन चारों अकाउंट का पैसा हम जांच कर लिए हैं, इसको जल्द से जल्द डाला जाए, तो उसको रोकने वाला इस विभाग में कौन है, ये हमको बताइए। कोई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के मालिक वही है। तो कोई नहीं है तो फिर हमारा पैसा क्यों नहीं जमा हुआ? आप लोग ये चीज़ क्लियर बताइए, इसमें ग्राहक को परेशान किया जा रहा है कि नहीं?
जब एक अधिकारी कहता है कि आप इनका पैसा डालिए, तो नीचे जो बैठे हुए तबके के अधिकारी हैं वो उस पैसे को क्यों रोकते हैं? एसटीआई नॉर्थ बोल रहे हैं डाक अधीक्षक को, डाक अधीक्षक आपको उसके बाद कोई आदेश नहीं दिए? कोई आदेश नहीं है। आप हमको लिखित में दीजिए कि जो जांच इनके पास से की गई उसके एवज में डाक अधीक्षक आज तक हमको कोई भी जवाब नहीं दिए हैं कि आप इसमें पैसा डालिए नहीं डालिए। हम आपको जनवरी माह में पासबुक दिए, आप पासबुक किसको रेफर किए वो भी हमको लिख के दीजिए, पासबुक हमारा कहाँ फंसा रहा वो भी लिख के दीजिए। देखिए ना यहाँ पर हमको सब बाई डाटा लिख, सब बाई डाटा हमको लिखिए। हमारी बात सुनिए पहले, सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका इस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के द्वारा ना होगा। हाँ प्रोसेस के द्वारा होगा तो ये प्रोसेस मतलब मेरी बात मतलब देखिए हमारी बेटी ब्याह करने के लायक हो जाएगी तब तक आपका प्रोसेस चलेगा? ठीक है, लेकिन 2018 से हमारा पैसा नहीं चढ़ा, आप लोग विभाग में तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? आप लोग अगर आप लोगों से कहाँ फॉल्टी पाते हैं आप? हम फॉल्टी इसलिए पा रहे कि आपके अधिकारी कह रहे हैं कि सुगोली ऐसा नहीं जमा किया, सामने आप सुने? ठीक ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात आपके अधिकारी बोले तो कब तक हम जमा करेंगे? जब सी एस आई जब मेरा एसओ हो जाएगा तब से बीओ का पोस्टिंग होगा ही नहीं उसमें, तो आप उस और सारे बीओ नहीं तो आप हमको लिख के दीजिए ना कि हमारे अधिकारी 11 बीओ था मेरे पास, 10 को बीओ जला गया, इनका नहीं डलाएगा? क्यों नहीं डलाया? तो इनकी कमी है कि आपकी कमी है, ये चीज़ आप बताएं ना, संतुष्ट कीजिए ना। बोलिए कहत रहे हैं इनसे, सारे लोग गया वो मोतिहारी लेकर, हम लोग गए मिथिलेश बाबू सारी गए, सारे लोग का काम हुआ, इनका क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं गए मोतिहारी, जवाब दीजिए। मोतिहारी कौन है बैठा? मिथिलेश बाबू के बैठा नहीं गए हम। कहाँ गए आप? मिथिलेश बाबू से पूछा गया, पूछल गया हम थे नहीं वहाँ, हम ही थे सियाराम जी सब लोग डलवाए, आप कहाँ थे? तो पंकज जी जो आदेश 2 फरवरी को दिए हैं इसका मतलब अधिकारी की बात को यहाँ पे अवहेलना की जा रही नहीं, है? नहीं ए, ए, मेरी बात अधिकारी का विभाग में कोई इज्जत नहीं है? नहीं तो वो अधिकारी के पास, हम लोग अधिकारी नहीं ना है, हम लोग के द्वारा थोड़ा पैसा आपको डलाया जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, पंकज जी जब सुपरिटेंडेंट को चिट्ठी जारी की है 2 फरवरी 2021 के डेट में कि हमारे द्वारा जाँच कर लिया गया, इंस्पेक्टर है तो वाजिब है जाँच वही करेंगे, वही करेंगे वो जाँच करके इनको सही पाए, वो चिट्ठी सुपरिटेंडेंट को दी है। सुपरिटेंडेंट उस टाइम में कौन थे? फरवरी माह में यही थे सर, आर्यन शर्मा ही थे, शर्मा जी ही थे। शर्मा जी आपको एक भी चिट्ठी दिए हैं कि नहीं दिए हैं उसके बाद? नहीं, लिखित तौर पे, मौखिक तौर पे? फरवरी के बाद तो फिर आपके यहाँ जाँच जाना अवश्य जब गए थे हाल फिलहाल, दूसरी जाँच हुई उसमें क्या हुआ? उसका भी तो लिखित दिए हैं, जाँच किए तो आपके पास लिखे हैं लिखकर दिया कैसे रजिस्टर आपको? नाली के थोड़े दिला बनाऊंगा अपन, माने अपने जन माल अकाउंट में ले लो ना, अपन से बात किया है कि लिख कर दिए हैं? सुपरिटेंडेंट भी इस जांच में आपको बुलाए थे? ये जांच सुपरिटेंडेंट साहब ने खन बोले ले यहां बोले ले और यहां में हम को जो ये रनिंग सन 7-8 दिन पहले। तो भाई ऊपर का अधिकारी क्यों कह रहे हैं कि बीओ और एसओ की कमी से पैसा नहीं जमा हुआ? शर्मा जी का भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हम आपको वो भी अभी सुनाते हैं। शर्मा जी सीधा सीधा बोले बीओ पैसा लिया तो जमा एसओ को करना है, एसओ क्यों नहीं किया इसकी जवाबदेही एसओ देगा, ये आपके अधिकारी बोल रहे हैं, हम ग्राहक नहीं बोल रहे। ये मैं भी कह रहा हूँ एसओ जवाब देगा कब तक? साहब उज्जवल जी कब तक? जब तक मेरा सीएसआई नहीं हुआ था तभी तक ना हम आपका काम करेंगे, बीओ का पोस्टिंग करना मेरा फर्ज है, लेकिन जैसे सीएसआई हुआ डिवाइस प्रोवाइड किया गया इन लोगों को उसके बाद बोलिए। अच्छा पदन जी, डिवाइस जो प्रोवाइड हुआ है दिसंबर 2018 के बाद, मुझे दिसंबर में दिसंबर 2018 के बाद पारसा बीओ जो लेजर बना के दिए हैं दिसंबर 2018 में हमारे एक खाते में 82,000 रुपया होता है दिसंबर 2018 तक, एक खाते में 41,000 होता है, दूसरे में 41,000 होता है, और जो चौथा खाता है उसमें हमारा 44,000 रुपया होता है दिसंबर 2018 तक। आपसे जब हम कल स्टेटमेंट लिए हैं तो आप यहाँ 31/12/2018 को हमारे जिस खाते में 92,000 रुपया जमा है उसमें 72,000 रुपया है, जबकि 82,000 होना चाहिए पहला खाता,
दूसरा खाता जिसमें 46,000 रुपया है उसमें 41,000 जमा होना चाहिए, तो उसमें 37,000 रुपया है, 36,000 रुपया है। तीसरा खाता है हमारा 46,000 इसमें हम जमा किए हैं, लेकिन दिसंबर 2018 तक इसमें 41,000 रुपया होना चाहिए, तो इसमें भी 36,000 रुपया है। चौथा खाता है निशा कुमारी का जिसमें 49,000 रुपया है, उस महीने में उसका 41,000 या 42,000 रुपया जमा होना चाहिए, उसके में 34,000 रुपया जमा है। तो आप लोग जब बात कर रहे हैं दिसंबर 2018 की, तो दिसंबर 2018 तक में भी 10,000 और 5,000 रुपया का डिफरेंस क्यों? यही इसी के लिए, यही डिफरेंस के लिए सारे लोग मोतिहारी गए हुए थे। तो इसमें ग्राहक कहाँ से दोषी है? आपको थोड़ी ना दोषी, ग्राहक का ब्याज कौन लेगा? डिपार्टमेंट देगा, डिपार्टमेंट देगा ना। खाता जब आप लोग तोड़े हैं, ग्राहक तो तोड़ा नहीं है। नहीं। हम सुगौली भी पैसा जमा करने आए, जब पर्सा बीओ हमारा पैसा जमा नहीं किए, तो यहाँ भी उस टाइम में हुआ कि आपका सुधार हो जाएगा तो पैसा जमा होगा। यही चीजवा जो आपका दिखा रहे हैं, इसी चीज इन लोगों को सारे लोग हम लोग ले गए। अच्छा ठीक है, ठीक है मदन जी, ये बात बताइए हमारे तरफ से फॉल्ट कहाँ है? आपकी तरफ से फॉल्ट कहाँ है? हम थोड़ी हमारे तरफ से फॉल्ट नहीं है, तो हमारे ब्याज का हकदार कौन है? डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में कौन देगा? किसकी गलती है? आप लोग जवाबदेही तय कीजिए। आज ये भी जितेंद्र सिंह भी सामने आए हुए हैं, मदन जी आप भी सामने बैठे हैं, आप दोनों आदमी अपना अपना स्टेटमेंट मिलाइए और जवाबदेही तय कीजिए। जब मशीन अलग तो पैसे दो आदमी से बतिया था नहीं, दो आदमी का मैटर बा, हमारा अधिकारी बोल देंगे, अधिकारी से हम जवाब ले ले। पर्सा बीओ दिया तो सुगौली ऐसा क्यों नहीं जमा किया, आप उनसे बात कीजिए, हम दोनों आदमी से भी सामने सामने बात करेंगे। इन्होंने पैसा दिया, आपने क्यों नहीं जमा किया, उसका लिखित प्रमाण हमको दीजिए। ये क्या आपको दिए उसका लिखित प्रमाण दीजिए, आप क्यों नहीं जमा किए उसका लिखित प्रमाण दीजिए, और ये लिख के हमको दीजिए कि विभाग की गलती के वजह से ग्राहक का पैसा नहीं जमा हुआ, दो साल से सुकन्या योजना टूट गया, इसकी जवाबदेही विभाग लेती है, इनका ब्याज विभाग देगा, आप हमको लिख के दीजिए। पंकज जी मौखिक तौर पर कह चुके हैं कि विभाग की गड़बड़ी है, विभाग ब्याज देगा। आज आपको फिर से हम पंकज जी की रिकॉर्डिंग सुनाएं जिसमें पंकज जी ने क्या कहा, जो दोषी पाया जाएगा वो ब्याज का हर्जाना भरेगा। आपके अधिकारी ही बोले हैं, हम तो बोल नहीं रहे। तो आप दोनों आदमी मिलकर तय कीजिए दोषी कौन है। आरएन शर्मा से भी बात हुई है, आरएन शर्मा भी हमको यही जवाब दिए हैं कि जब बीओ पैसा दिया तो ये सब क्यों नहीं जमा किया। अब अगला रिकॉर्डिंग आप भी सुन लीजिए। जी शर्मा सर बोल रहे। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से? सर हम परसा से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए सर। एक्चुअली जो हमारा सुकन्या का जो समस्या चल रहा है, तो कल हमने अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला सुगौली से। जी जी। तो उसमें सर हम लोग पासबुक में जमा किए हैं 92,000 रुपया। अच्छा। और हमारे अकाउंट में 72,000 है। अच्छा। जिसमें हम 46,000 और 48,000 रुपया जमा किए हैं, उसमें सर 34,000 रुपया जमा है। अच्छा। वो इन सभी अकाउंट के बारे में हम पंकज जी से भी पिछले 5-6 महीने से लगातार बात कर रहे हैं। तो उनसे आज जब बात हुई तो उन्होंने क्लियर बताया कि परसा बीओ की गलती नहीं है। अच्छा। हमने ऑलरेडी जांच करके सुपरिटेंडेंट सर को 1/2/2021 की डेट में एक चिट्ठी निकाला था, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया था कि इन लोगों का अकाउंट का स्टेटमेंट सही है, इन लोगों का पैसा डाल दिया जाए। सर जो वो चिट्ठी का दिनांक है 2/2/2021, उसके बाद से भी अब सर 4 महीने निकल के 5वां महीना स्टार्ट होता है। आप सुगौली में पूछिए कि पैसा है तो आप लोग डालिए, सुगौली को डालना ना है। अच्छा, तो नहीं लगता है कि उसमें सर आपको आपको ये नहीं लग रहा है कि इसमें सर ग्राहक को परेशान किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल परेशानी है। आपको जिस समय था आप जमा किया उसी समय लोगों को डालना चाहिए, सुगौली को बोला जा रहा है कि डालने के लिए असमर्थ हो रहे हैं। सर हम तो फाइल आज मंगाते हैं, बाबू लोग आएगा। सर ये लोग असमर्थ हो रहे हैं, एक चीज हमको बताया जाए, इसमें जो विभाग जो भी ग्राहक हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई बात पे उन लोगों ने सोचा कि हम पैसा अगर जमा करते हैं तो हमारी बेटी की शादी में या पढ़ाई में 6-6.5 लाख रुपया मिलेगा। तो सर अब तो वो मिलने से रहा, हम लोगों के यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। तो सुगौली और परसा के बीच का मैटर, परसा जमा किए सुगौली में, उसी से मैं आज नहीं उसी समय पड़ जाना चाहिए आप लोगों। सर अब आपको बता रहे हैं लिखित रूप से हम 8 महीने में पड़े हुए, तब तो कुछ हुआ नहीं,
जब पंकज जी इंस्पेक्टर होकर के लेटर निकाल दिए कि इन लोगों का पैसा डाल दिया जाए, उस पर अगर विभाग नहीं सुन रहा है, सर इससे ज्यादा लापरवाही क्या हो सकती है? आज हमारा सर इंटरेस्ट जो मारा गया उसका सर हर्जाना कौन भरेगा? उसके भरने के लिए आप लोग ये तो क्लियर बताएंगे ना कि हाँ दोषी ये है, ये इसके जवाब नहीं देंगे? जांच कराया जाएगा ना, वही पूछ रहे हैं ना उनसे, ही नहीं पूछे कि दोषी कौन है इसमें। उनसे तो सर हम पंकज जी से बात किए तो वो बोले कि गलती सुगौली एसओ की है जो पैसा नहीं डाला। तो सर आप लोग हायर ऑथोरिटी है, अगर आप लोग हमको उसका देखते हैं, मंथन करते हैं थोड़ा सा जी, लेकिन सर हम लोग का तो इंटरेस्ट मारा गया उसपे तो आप लोग कुछ नहीं कर। आप लोग का जमा है तो मिलवे करेगा जी, आपका जाएगा डिपार्टमेंटल जो पिछले सर, तो सर दो साल से हम लोग पैसा जमा कराने के लिए ट्राई कर रहे हैं, विभाग बार बार कह रहा है कि जब तक सुधार नहीं होगा तब तक पैसा जमा नहीं होगा। तो सर दो साल से तो हमारा खाता भी बंद है। पासबुक में कितना है आपका? 92,000 रुपया है, किसी में 46,000 है, किसी में 49,000 है, चार पासबुक मेरा है। 92,000 में सिस्टम में कितना, यहाँ कितना बता रहा है? सिस्टम में सर 72,000 रुपया बता रहा है। सिस्टम कहाँ पर? सुगौली में जी। कितना का डिफरेंस है? डिफरेंस सर 20,000 रुपए का है। और मदन जी से कल जब हम पासबुक लिए तो मदन जी हमको यही जवाब दिए हैं उस स्टेटमेंट पे कि लेजर डेट के अनुसार परसा बीओ के द्वारा समय पर कभी भी पैसा जमा नहीं हुआ, स्टाम्प लगा के सिग्नेचर करके दिए हैं। सर ये बताइए विभाग की लड़ाई में ग्राहक पीसा जा रहा है, इसके लिए आप लोग सर कुछ नहीं देखते हैं? जाँच कराएंगे ना, जवाबदेही तय करेंगे, इंस्पेक्टर को सर का चिट्ठी लिखाएंगे की जाँच करिए, बताइए, जमाकर्ता से पूछिए, पोस्टमास्टर से पूछिए दोषी कौन है, उसका नाम बताइए, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सर ये एक्शन भी तो होना चाहिए ना कि जो ग्राहक का ब्याज पीटा उसका पैसा कौन देगा? जमा किए हैं तो ऐसे ना जवाबदेही बताइए। जांच का मतलब होता है सर, इसमें ये भी होना चाहिए ना जो ग्राहक का पैसा मारा गया उसकी भी तो जवाबदेही विभाग को लेनी पड़ेगी। जांच दिखवाते हैं फाइल, जो अभी तो बंद है ऑफिस, जो है खुलता है तो जांच कराते हैं। ठीक है ठीक। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझौलिया।